विद्यार्थियों, आपका विराम चिन्ह कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग विराम चिन्ह, जिसका हम पूर्ववर्ती दो कालांशों में व्याकरण की विशेषताओं और व्याकरण के अंग व स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती कालांश में बताया गया था कि चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक विराम एवं एक भाव। तो विराम चिन्हों के पश्चात हम भाव चिन्ह की बात करते हैं कि वो कौन कौन से भाव चिन्ह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें एक खड़ी पाई के नीचे एक डॉट, योजक चिन्ह एक डैश का चिन्ह, कोष्टक चिन्ह जो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक होता है उनका प्रयोग, फिर निर्देशक चिन्ह इसमें भी एक डैश का चिन्ह, प्रश्नबोधक चिन्ह ये इस प्रकार से एक प्रश्नबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, कोई सवाल हमारे मन में आता है, उसकी हम जानकारी चाहते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। फिर विवरण चिन्ह, किसी भी विषय वस्तु का विवरण दिया जाना कि किस प्रकार से क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई इसके बारे में बताना। फिर लाघव चिन्ह, किसी चीज़ को छोटा करके लघु करके बताना। फिर अनुवृत्ति चिन्ह, जो ये डबल कोटेशन का चिन्ह है वो। हंस पद त्रुटि चिन्ह, काक पद, कई बार हम कुछ वाक्य में लिखते समय भूल जाते हैं, उसको त्रुटि सुधारने के लिए हम उसमें एक इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं और इसके ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। फिर लोप चिन्ह, धीरे धीरे किसी चीज़ का लुप्त होता जाना, या जिसे कहते हैं कमज़ोर पड़ता जाना, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर अवतरण चिन्ह, इसे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इकहरा एवं दोहरा, ये दोहरा चिन्ह है जहाँ पे ये दो डबल लगे हुए हैं और ये यहाँ पर एक सिंगल है। और इसकी जो विशेषता है कि ये जो कथन में प्रयुक्त आते हैं और ये किसी लेखक के नाम, उपनाम, लेखक के उपनाम और उसकी रचना, इन सब की जानकारी इसमें प्रदान की जाती है। फिर विकल्प चिन्ह, ये जो ऑब्लिक का चिन्ह है वो प्रयोग किया जाता है। और समता सूचक चिन्ह, यानी किसी से तुल्यता करने में, किसी से बराबरी करने में हम इस बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह की। देखिए, इसकी पहचान ये है कि ये एक खड़ी पाई की तरह से और इसके नीचे जस्ट नीचे एक डॉट लगी हुई होती है। ये घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, भय आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति में ये प्रयोग होता है। उदाहरण है, हे राम वह कैसे गुजर गया, यानी वह कैसे खत्म हो गया। किसी को अचानक से कोई सदमा लगता है कि अरे वो नहीं रहा, तब ऐसी प्रतिक्रिया आती है। और अगर कोई विद्यार्थी या कोई जानकार, अगर कोई अनुत्तीर्ण होने वाला और वो पास हो जाए, तब भी ऐसी प्रतिक्रिया आती है, कहते हैं अरे मोहन पास हो गया। किसी को पुकारने पर दूसरी जो स्थिति होती है जहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे, मोहन इधर आओ, जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो संबोधन हो जाता है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी संज्ञा को, तो उसके पश्चात वो उसमें जो चिन्ह आता है ये संबोधन बोधक चिन्ह कहलाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं कहलाता है। सीता पानी लाओ। अब दूसरा जो हमारा भाव चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, जो एक ये डैश सी आपको नजर आती है, ये बहुत अधिक जिसे कहते हैं एक काम का चिन्ह है, इसे हम दो में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। देखिए कैसे, जैसे दो पदों के मध्य कारक चिन्ह, कारक चिन्ह मतलब प्रसर्ग से की उपस्थिति पे, जैसे पद परिचय, तो अगर इसमें एक शब्द हमने कम कर दिया, इसमें का शब्द का प्रयोग नहीं किया, का की जगह हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया, पूरा जो इसका विवरण था वो ये था, पद का परिचय। फिर है युग्म शब्द,
सहचर शब्द द्वंद्व समास के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास आदि के अंदर इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी मिलनी चाहिए, ये अपन ने द्वंद्व समास का अपन ने एक उदाहरण ले लिया कि दाल रोटी मिलनी चाहिए। फिर रातों रात गांव खाली हो गए, ये जैसे सहचर शब्द जब हमने प्रयोग में लिया कि रातों रात ये एक साथ आ रहे हैं और इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि किस प्रकार से ये वाक्य में इनका प्रयोग हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वह रातों रात घर छोड़ गया, वह रातों रात यहाँ से चला गया, तब ऐसी स्थिति में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आइए कोष्टक चिन्ह पे। ये जो भाव चिन्ह है बच्चों, ये बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है कि मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, प्रमुखतः दो जगह प्रयोग किया जाता है। ये मैंने यहाँ संख्या बता दी है दो। ये मनोस्थिति अभिव्यक्ति में और पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु इसका प्रयोग होता है। अब मनोस्थिति अभिव्यक्ति कैसे, जैसे हमारे अंदर कई बार गुस्सा आ जाता है, आक्रोश होता है, तब हम बेटा क्या कहते हैं कि उदाहरण राम सिंह एक व्यक्ति क्रोध में, ये उसके अंदर भाव जागृत है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यानी ये उसकी मन स्थिति है किसकी, राम सिंह की। कैसी स्थिति है कि वो क्रोध में है, तब वो क्या बोल रहा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पद का अर्थ स्पष्ट, जैसे उदाहरण के तौर पर शर्वरी रात के लिए, ढलते ही सूर्य की किरणें फट गईं। जैसे कहते हैं ना अपन पौ फटना, सुबह होना, तब उसके लिए हम क्या कहते हैं कि शर्वरी, यानी रात ढलते ही सूर्य की किरणें फट गई। अब रात शब्द के लिए हमने एक अलग जो शब्द इस्तेमाल किया, वो प्रयोग किया, वो है शर्वरी। तो उसको स्पष्ट करने के लिए हमने ब्रैकेट में क्या डाल दिया, रात। फिर है निर्देशक चिन्ह, एक डैश का प्रयोग। देखो बेटाओं, अर्थ की स्पष्टता हेतु बार बार, जब हम किसी चीज को स्पष्ट करते हैं तो बार बार हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी चीज को बहुत अधिक बार जब प्रयोग में लिया जाता है, जैसे मेहनत, समर्पण, लगन, ये किसके मंत्र हैं, सफलता के मंत्र हैं, तब हमने इनके बीच में परस्पर निर्देश करने के लिए हमने एक जो चिन्ह है डैश का ये प्रयोग में कर लिया कि मेहनत, समर्पण, लगन, सफलता के मंत्र हैं। फिर देखिए बेटाओं, किसी बात को दोहराने पर, कि कोई बात जब दोहराई जाती है तो किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, वह मुझे कल रात को ही मिला था, वो अपनी बात बता रहा है कि वह मुझे कल रात को ही मिला था। फिर थोड़ा रुका, बीच में निर्देश चिन्ह दिया, कल रात को ही, यानी वो क्या कहना चाहता है, शब्द पे जोर दे रहा है कि कल रात को ही वो मुझे मिला था। उद्धरण प्रयोग करने पर, जब हम किसी चीज को साबित करने के लिए, किसी चीज को अपनी पूर्णतया उसकी सत्यता बताने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे पानी की कमी से, कमी किसकी है बेटा, पानी की, हिरन, हाथी, लोमड़ी सब परेशान थे, यानी जंगल के सारे पशु पक्षी से परेशान थे। तो यहाँ पे हिरन, हाथी, लोमड़ी, यानी छोटे बड़े सभी जानवरों के लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया, एक निर्देश कर दिया कि वो सभी पानी से परेशान थे। वाक्य के टूटने पर भी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं तो जब हम उसकी अभिव्यक्ति का एक स्तर लेकर के आते हैं तो वाक्य में अनचाहा विराम आ जाता है, और ये जो अनचाहा विराम है इसे हम वाक्य का टूटना कहते हैं। जैसे राम ने, फिर हम रुक गए, परोपकार करना नहीं छोड़ा। राम एक व्यक्ति है, वह परोपकार करता है, ये उसका स्वभाव है कि वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके साथ में बुरा व्यवहार कर दे तब उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। एक सामने वाला व्यक्ति जो उसे जानता है, वो जानता है कि राम के साथ गलत हो रहा है, तो वो उसके लिए जिस चीज का प्रयोग करेगा वो वाक्य का टूटन ही कहलाएगी, वो रुक जाएगा क्योंकि वो है राम के लिए दुखी है। तो वो क्या कहता है, राम ने, फिर रुका है, फिर निर्देशक चिन्ह लगाया, परोपकार करना नहीं छोड़ा। तो बच्चों इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगामी कालांश में, यानी विराम चिन्ह की जो चतुर्थ कालांश आएगा, उसमें हम प्रश्न बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लागव चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।